और चलिए जोशीमठ मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दे। 561 से ज्यादा घरों में दरार आ चुकी है। हालात पर मुख्यमंत्री धामी नजर बनाए हुए हैं। आज सीएम धामी जोशीमठ के दौरे पर जाएंगे। जोशीमठ में अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री धामी की ये बैठक भी होगी। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे। देखिए जोशीमठ में जिस तरीके से खतरा मंडरा रहा है, 561 से ज्यादा घरों में दरार आ चुकी है। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस पूरे मामले को लेकर नजर बनाए हुए हैं। आज जोशीमठ के दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री धामी। बीते कल उन्होंने एक बैठक की थी और आज मुख्यमंत्री खुद जोशीमठ जाकर हालातों का जायजा लेंगे। अधिकारियों के साथ फिर बैठक भी होगी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। गंभीर मामला, संवेदनशील मामला, जिस पर अब केंद्र सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है और राज्य सरकार भी। बीते कल बैठक हुई और आज खुद मुख्यमंत्री इस जगह का मुआयना करने के लिए पहुंचेंगे। जोशीमठ के मामले में आज क्या होगा वो हम आपको बता देते हैं। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज खुद मौके पर जाएंगे। जोशीमठ में हालातों का मुख्यमंत्री धामी पहुंचकर जायजा लेंगे। पीड़ित परिवारों से मुख्यमंत्री की देख के मुलाकात होगी। इसके अलावा जांच टीम से मुख्यमंत्री धामी फीडबैक भी लेंगे। जो वहां पर जांच टीम पहुंची हुई है मौके का मुआयना करने के लिए, उनसे फीडबैक लेते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और जोशीमठ पर बीते कल मुख्यमंत्री की बैठक हुई थी, उस बैठक में क्या हुआ वो आपको बताते हैं। सीएम धामी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। बड़ा अस्थायी पुनर्वास केंद्र बनाने के निर्देश दिए गए हैं। जोशीमठ में सेक्टर और जोनल वार योजना के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा डेंजर जोन को तत्काल रूप से खाली करवाया जाए। मुख्यमंत्री ने बीते कल की बैठक में यह भी निर्देश दिए, आपदा कंट्रोल रूम एक्टिवेट किया जाए। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश बीते कल की बैठक में। प्रभावित परिवारों के लिए एक बड़ा फैसला मुख्यमंत्री ने लिया कि 6 महीने तक हर महीने 4,000 रुपए इन पीड़ित परिवारों को दिए जाएंगे। तो ये कल की बैठक में हुआ, बड़े फैसले मुख्यमंत्री की तरफ से लिए गए हैं। और लगातार देखिए एबीपी गंगा आपको बता रहा है ग्राउंड जीरो से कि किस तरीके से वहां पर तस्वीरें सामने आ रही हैं और फिलहाल हालातों में किस तरीके से बदलाव हो रहा है। हालात बेहतर हो रहे हैं और खराब हो रहे हैं, इस पर लगातार एबीपी गंगा की निगाहें बनी हुई हैं। देखिए आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद पहुंचेंगे जोशीमठ में और हालातों का जायजा लेंगे। आज खुद मुख्यमंत्री का जोशीमठ में दौरा और इससे पहले लगातार जो आपदा प्रबंधन की टीम है वो मौके का मुआयना कर रही है। मुख्यमंत्री की तरफ से भी सख्त निर्देश दिए गए थे कि जल्द से जल्द वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक होनी चाहिए। जो डेंजर जोन में लोग रह रहे हैं उनको तुरंत प्रभाव से बाहर निकाला जाए। अस्थायी रूप से पुनर्वास की व्यवस्था इन लोगों के लिए की जाए। ये तमाम निर्देश बीते कल हुई बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिए गए थे। एबीपी गंगा लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, हर तस्वीर हर अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। और इस वक्त रवि कैंतुरा हमारे साथ जोशीमठ ग्राउंड जीरो जुड़ गए हैं, अपडेट्स हम तक पहुंचाएंगे। रवि, आप लगातार जोशीमठ से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपने खुद देखा है कि लोग किस तरीके से डर के साए में वहां पर जी रहे हैं और वाजिब है, लेकिन मुख्यमंत्री ने कल जब बैठक की उसके बाद निर्देश दिए कि डेंजर जोन से तुरंत लोगों को बाहर निकाला जाए। आज मुख्यमंत्री खुद वहां पर पहुंचेंगे, क्या लोगों के बीच वहां पर थोड़ा सा डर बाहर आया है या फिर अभी भी वो उसी दहशत में जी रहे हैं? बिल्कुल पूजा, देखिए जिस तरीके से लोगों को पुनर्वास करना है और यहाँ से जो डेंजर जोन है वहाँ से बाहर उनको निकालना है, उसके बाद कुछ राहत तो उनको है क्योंकि लोग कई परिवार तो ऐसे हैं जो खुद ही यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं, दूसरी जगहों पर चले गए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि जिन भी घरों में दरारें हैं जो जोनल और सेक्टर वाइज इसको अलग अलग एरियाज में बांटा जाए और उसके बाद तमाम ऐसे लोगों को वहाँ न रहने दिया जाए, उनको वहाँ से निकाला जाए और सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाए। जो भी जो शिविर बनाए गए हैं वहाँ पर ले जाया जाए या फिर जहाँ पर भी व्यवस्थाएँ हैं वो व्यवस्थाएँ करें। अस्थायी पुनर्वास केंद्र के निर्माण की बात भी मुख्यमंत्री ने की है। तो ऐसे में जो लोगों के डर की आपने बात की है, देखिए अभी बहुत ज्यादा डर है। किसी का आशियाना अगर उजड़ जाता है तो वो डर के साए में रहता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, ठंड का माहौल है और सभी लोग जो है इस वक्त जो है घर से बाहर है, तो यहाँ का जो माहौल है वो काफी उन लोगों को भावुक कर रहा है। उनको उम्मीदें तो हैं कि सरकार जिस तरीके से कल एक बैठक हुई थी उस बैठक के बाद कुछ उम्मीदें हैं उनको कि उनको अभी कहीं पर रखा जाएगा, उसके बाद जो पक्का मकान है वो भी उनके लिए बनेगा क्योंकि अभी उनके मकान की स्थिति ये है कि वो वहाँ नहीं रह सकते हैं। सामान जितना वहां से ले जा पा रहे हैं अपना ले जा रहे हैं, बाकी सामान वही है और वो मकान इस तरीके से क्षतिग्रस्त है, हमने कल दिखाया था कि वो मकान जो है दोबारा उनमें नहीं रहा जा सकता। वो पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि अधिकतर ऐसे मकान हैं जिनमें ऐसी दरारें आई हैं जो पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं, क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिनमें रहा नहीं जा सकता। तो लोगों के अंदर जो भावनाएं हैं वो लोग अभी यहां पर भावुक हैं, उम्मीदें हैं मुख्यमंत्री के आने से, उम्मीदें हैं क्योंकि मुख्यमंत्री 1 बजे यहां पर पहुंच जाएंगे, लोगों से वो मिलेंगे, जो जहां पर जो दरारें जिन इलाकों में आ रही हैं मुख्यमंत्री वहां जाएंगे।
करेंगे, अधिकारी और जो भूवैज्ञानिक जो यहाँ पर पिछले कई दिनों से उनसे फीडबैक लेंगे और साथ में अभी पुनर्वास तो करना ही है फौरी तौर पर राहत मिल सके, लेकिन जो मुख्य है कि जोशीमठ का जो अस्तित्व है, जो शहर है जो कि शंकराचार्य से जुड़ा हुआ शहर है, उसको कैसे बचाना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में जो भूवैज्ञानिकों की रिपोर्ट है आगे उस पर क्या किस तरीके से वो बताते हैं कि क्या करना है, ये जीवन भर काम करके जिंदगी भर की कमाई के बाद लोग अपना घर बनाते हैं और अगर इस तरीके की तस्वीरें सामने भावुक होना लाजमी है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उन लोगों की जिंदगी, सबसे पहले उनको बचाना बहुत जरूरी है। रवि बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही है। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।